सर मलिक, मैं स्लिप टेक्नीशियन हूँ न्यूरोजियन स्लिप सेंटर में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि फिलिप्स रेस्पिरोनिक कंपनी का ड्रीम स्टेशन मॉडल है, जो स्लिप थेरेपी डिवाइस बोलते हैं इसको हम। स्लिप थेरेपी डिवाइस का एक ड्रीम स्टेशन मॉडल है ये। इसमें हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फिल्टर और फिल्टर क्लीनिंग और फिल्टर की लाइफ कितनी है। तो इसमें जनरली फ्रेंड दो टाइप्स के फिल्टर लगते हैं। एक है रिजुअल पोलिंग फिल्टर, इसको रिजुअल पोलिंग फिल्टर बोलते हैं, और एक है डिस्पोजेबल अल्ट्रा फाइन फिल्टर, इसको डिस्पोजेबल अल्ट्रा फाइन फिल्टर बोलते हैं। तो फर्स्ट मशीन में देखेंगे फिल्टर कहां लगता है। मशीन में लेफ्ट हैंड साइड पे एक चैम्बर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इस चैम्बर में फिल्टर ऑलरेडी लगा हुआ है, आप मैनुअली रिमूव कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं फिल्टर को। तो हम पहले जानेंगे रीयूजेबल पोलिंग फिल्टर की लाइफ एंड क्लीनिंग। इसकी लाइफ है 1 ईयर। 1 ईयर के बाद इसको थ्रो कर दीजिए और एक न्यू फिल्टर मशीन में लगाइए। सो इस फिल्टर की क्लीनिंग का मैं बता देता हूं। थोड़ा सा मग में पानी लीजिए और एक सॉफ्ट डिटर्जेंट लीजिए, थोड़ा सा फोम बना के उसको डुबो के रख दीजिए एंड 10 मिनट तक डुबो के रखिए। 10 मिनट के बाद उसको बाहर निकाल के आप फिंगर से ऐसे रफ करिए, फिल्टर को रफ करके ड्राई करके आप फिर मशीन में लगाइए। ध्यान रखिए ड्राई करके ही मशीन में लगाना है, बिकॉज गीला रहेगा तो मशीन के अंदर पानी जाएगा फिल्टर के थ्रू, एयर फिल्टरों के अंदर जाता है मशीन के अंदर। अगर ड्राई नहीं रहेगा तो मशीन खराब हो जाएगी। सो ये हो गया फ्रेंड्स डिस्पोजल आपका रीयूजेबल पोलिंग फिल्टर। अभी मैं बताता हूं आपको डिस्पोजल अल्ट्रा फाइन फिल्टर के बारे में। इसकी लाइफ है 30 नाइट्स या 30 डेज। 30 डेज के बाद इसको थ्रो कर दीजिए और न्यू फिल्टर लगाइए। आप दोनों फिल्टर में से कोई भी एक फिल्टर मशीन में लगा सकते हैं, बस मशीन में एक ही फिल्टर लगेगा। सो आप दोनों में से कोई भी एक फिल्टर लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमें कोई भी क्वेश्चन करना हो या कोई है आपके मन में, तो हमें आप प्लीज कॉन्टेक्ट करिए। हमारा ईमेल आईडी है info@neurologyslipcenter.com और हमारा वेबसाइट है www.neurologyslipcenter.com। थैंक यू सो मच।